नमस्कार प्रणाम। आप लोगों का ऑनलाइन सबमिट चैनल पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं जमीन का अपना रजिस्टर टू में कैसे देखेंगे। दोस्तों अपने जमीन का रिकॉर्ड रजिस्टर टू में कैसे अपना जमीन का प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, घर बैठे अपना जमीन रजिस्टर टू में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा क्लियर वाइज आपको बताने वाला हूँ रजिस्टर टू में जमीन कैसे देखेंगे, वो कर्मचारी के पास जो रजिस्टर टू होता है क्या वो कैसे देखते हैं, या ऑनलाइन रजिस्टर टू होता है उसको कैसे देखते हैं। दोस्तों रजिस्टर टू में क्या नाम शो करता है, तो क्या आपका रसीद कटता है या नहीं करता है, यानी कि रसीद पर कैसे शो करता है, क्या शो करता है, सारी जानकारी के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप घर बैठे हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप रजिस्टर टू कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कोई भी हो, बस गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद गूगल को जैसे ही ओपन किए तो गूगल पर आपको यहाँ पर दोस्तों टाइप करना पड़ेगा onlinesubmit.com। सबमिट में ध्यान रहे कि डबल टी टाइप करिएगा और उसके बाद स्पेस दे दीजिएगा .com और इंटर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर सेकंड जो वेबसाइट दिखा रहा है ऑनलाइन सबमिट, एक कंप्लीट सॉल्यूशन इस ऑनलाइन सर्विसेज, याद रहे कि ऑनलाइन सबमिट, सबमिट में ध्यान रहे कि डबल टी वाले वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर देख लीजिए सबमिट में डबल टी है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है onlinesubmit.com का, उस पर आप चले जाइएगा। जैसे कि मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको हर एक तरह की न्यू अपडेट मिल जाती है, कोई भी नया अपडेट, कोई भी एडमिशन रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जो आता है तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर शो करता है, इसलिए आप इस वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो, जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आप रजिस्टर टू में नाम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन है, या डायरेक्टली आप नीचे चले जाएंगे, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार ऑल साइट से भी, यहाँ से भी आप साइट पे जा सकते हैं। करेक्शन स्लिप बिहार में ऑनलाइन रसीद यहाँ से काटे, क्योंकि इसी साइट के माध्यम से यहीं पर आपका रजिस्टर टू का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर टाइप करना है रसीद, रसीद यहाँ पर RASID, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RASID रसीद लिखकर यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर दिखा रहा है करेक्शन स्लिप्स बिहार में ऑनलाइन रसीद। यहाँ दोस्तों आप परिमार्जन भी टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, करेक्शन स्लिप भी टाइप कर सकते हैं, रसीद भी टाइप करेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो इस वाले वेबसाइट पर हमको जाना है, क्लिक कर दिया मैंने उस पर, एड सहारा इसको हम क्लोज कर देंगे। देखिए दोस्तों ये अच्छे से पोस्ट हमारा खुलकर आ गया है, इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे जमीन का रसीद काटना है, क्या करना रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक बोला जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं क्लिक हियर पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चले गए, गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आने के बाद आप दाखिल खारिज कर सकते हैं, दाखिल खारिज की स्थिति देख सकते हैं, LPC कर सकते हैं, LPC की स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए अपना खाता देखें, जमाबंदी पंजी देखें, परिमार्जन करें, भू लगान देखें। तो असली रजिस्टर्ड टू क्या होता है, देखिए दोस्तों इस पर मैं वीडियो आज लेकर आने वाला हूँ। ये दोस्तों आपको दोपहर में इसका वीडियो इसी चैनल पर ऑनलाइन सबमिट पर मिल जाएगा, जमाबंदी जैसे कैसे देखना है, ठीक है, जमाबंदी पंजी प्रतीक क्या होता है और ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर भू लगान का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक कर देंगे। जहां से आप रसीद काटते हैं जिला का नाम डालेंगे, चलिए मैं डाल देता हूँ, उसके बाद जो भी आपका अंचल है अंचल का नाम डालिएगा, आगे बढ़े पर क्लिक कर दीजिएगा, हल्का नाम यहाँ पर देख सकते हैं हल्का नाम डाल देंगे, आपका जो भी मौजा है जहाँ पर जमीन है वो डाल देंगे, यहाँ पर जो भी है अपना डाल देंगे। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, कैप्चा को भी फिलअप कर दिया, खोजे पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर खोज कर दोस्तों निकाल दिया है, ये निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये दो, अगर जमाबंदी पंजी देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि ये पहला वाला स्टेप है सुरेंद्र कुमार सिंह, यहाँ पर खाता नंबर 15 देखे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आप समझ गए हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं दोस्तों, पंजी टू विवरण,
यानी कि जिस तरीके से आप पंजी टू यानी कि पंजीकरण टू यहां से देखते थे वही हूबहू ये वाला है इसका। लेकिन दोस्तों ये पंजी टू विवरण का जो आपको कोई बोलेगा कि प्रिंट निकालना है तो यहां से आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी को बोला जाता है रजिस्टर टू विवरण। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर टू में क्या होता है दोस्तों, आपको भाग संख्या मिलता है, प्रिंट संख्या मिलता है, यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर मिल जाता है, किन के नाम पर जमीन है, कितना है, कितना बार रसीद कटा हुआ है, कितना अभी बाकी है, कितने साल तक, ये पूरी रसीद यहाँ पर रजिस्टर टू के माध्यम से दिखाता है। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है अगर आपका पंजी टू विवरण में आपका जमीन का रिकॉर्ड शो करता है तो आपका 100% रसीद कटेगा, आपका रसीद शो करेगा, आपका हर एक जगह से सही है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको जमाबंदी पंजी यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भाग संख्या प्रिंट संख्या मालूम होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ से जैसे भुगतान करें यहाँ पर भू लगान पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी वो डालना पड़ेगा, भाग संख्या वर्तमान संख्या, तभी आप इस विवरण को खोल सकते हैं। तो इस तरीका से आप अपना पूरा यहाँ पर रजिस्टर टू विवरण निकाल सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करना है इसको पंजी टू विवरण को तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, सेव टू पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं, दो पेज में आ रहा है, तो मान ली एक पेज की जरूरत है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों एक रजिस्टर टू ये तो पंजी टू विवरण हो गया, पंजी टू विवरण के माध्यम से रजिस्टर टू हम देख लिए। अगर दोस्तों कर्मचारी के पास भी एक रजिस्टर टू होता है, वहां से भी आप कर्मचारी के पास भी जाते हैं तो वो रजिस्टर टू में आपका नाम देखकर भी बता देंगे, वो ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है। वो दोस्तों ऑनलाइन ही होता है लेकिन मगर उनके पास आईडी पासवर्ड होता है लॉगिन के लिए, हमारे पास वो आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं होता है, बस डायरेक्टली पंजी टू विवरण के माध्यम से हम रजिस्टर टू देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो नए ट्रिक के साथ। तो चलिए नए वीडियो को शुरुआत करते हैं।